स्वागत है आपका IBN न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। विधानसभा के किसानों को ज्यादा बोल और कम तोल की तर्ज पर किसानों को दिन के उजालों में ही लूटा जा रहा है। कृषि उपज मंडी के सामने ही मंडी के सारे नियम कानून को ताक में रख कर भोले वाले किसानों को अधिक भाव का लालच देकर कम तोल कर उन्हें सीधा साधा दिन के उजालों में ही लूटा जा रहा है। यही नहीं, मंडी टैक्स की लाखों रुपए की चोरी खुलेआम की जा रही है। कृषि उपज मंडी के सामने के अलावा भी कन्नौज रोड, अलीपुर सहित कई जगह पर रोड किनारे भोले वाले किसानों को झांसा देकर जहाँ कम तोला जा रहा है वहीं भाव में भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे नगर में दर्जनों व्यापारी हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, उसके बावजूद भी रोज दर्जनों क्विंटल उपज किसानों की खरीदी की जा रही है और यही उपज शाम डलते डलते मंडी में महंगे भाव में बिक जाती है। ऐसा भी नहीं है कि इसकी जानकारी मंडी प्रशासन को न हो। आखिर क्या कारण है कि किसानों को खुलेआम लूटा जा रहा है? मंडी परिसर में भी कहने को तो आवक और जावक के दो गेट बने हुए, लेकिन न लोग नियमों का पालन कर रहे हैं और न ही नाके पर उपस्थित कर्मचारी नियमों का पालन करवा है। कर्मचारी अपने चहेतों को जावक गेट में भी अंदर प्रवेश दे देते हैं जिससे व्यवस्था बिगड़ती है। वहीं विवादों का कारण भी बनता है क्योंकि जो किसान रात भर से आवक गेट पर अंदर प्रवेश के लिए घंटों इंतजार करता है, वहीं कुछ लोग मंडी कर्मचारियों के प्रिय जावक गेट से भी प्रवेश कर अपना नंबर लगा देते हैं जिससे किसानों को लंबे समय का इंतजार करने के बाद प्रवेश मिलता है। अगर समय रहते प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दिया तो कभी भी गंभीर स्थिति बन सकती है। मंडी प्रशासन क्यों मौन है, यह समझ से परे है। इस संबंध में जब SDM प्रशासक अधिकारी आनंद सिंह रजावत ने कहा कि इस तरह की जानकारी आपसे मिली है, तत्काल कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में जब SDM आनंद रजावत से बात की गई तो उन्होंने कहा अभी इसकी सूचना मिली है, इस पर जांच कर कार्यवाही की जाएगी। आष्टा से IBN 9 के लिए मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।